नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश लवर में। दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे एक पोएट्री के टाइप के बारे में जिसका नाम है सोनेट। सोनेट क्या होता है, किस टाइप की पोएट्री होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स है, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे सोनेट के बारे में। सोनेट होता क्या है? सोनेट बेसिकली पोएट्री का एक फॉर्म होता है जिसमें 14 लाइंस में लिखा जाता है एक फिक्स राइम स्कीम के साथ, और इसमें आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है। जो सोनेट है वो इटालियन वर्ड सोनेटो से बना हुआ है जिसका मतलब होता है लिटिल सॉन्ग और स्मॉल लिरिक, इन द सेंस छोटा म्यूजिक या छोटा सॉन्ग। और जो सोनेट का इन्वेंशन का क्रेडिट है वो 13 सेंचुरी में एक इटालियन पोएट को जाता है जिसका नाम है जियोकोमो डा लेंटिनी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोनेट के टाइप्स के बारे में, कितने टाइप्स के सोनेट होते हैं। वो जनरली जो है वो काफी टाइप्स के सोनेट होते हैं, 6 टाइप्स के, बट जो स्टडी किया जाता है वो 2 ही टाइप का स्टडी किया जाता है, इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट। जो इटालियन सोनेट होता है उसी को हम पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट होता है इंग्लिश सोनेट और शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट। जो इंग्लिश सोनेट होता है उसको 2 और नामों से जाना जाता है, शेक्सपियरियन सोनेट और एलिजाबेथन सोनेट। नेक्स्ट उसके बाद आता है स्पेंसेरियन सोनेट, मिल्टानिक सोनेट, टर्जारिमा सोनेट या डायस्पोरा सोनेट और कर्टल सोनेट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इन सब सोनेट का क्या स्पेशलिटी है। दोस्तों जो इटालियन सोनेट होता है उसी को पेट्रार्कन सोनेट भी कहा जाता है। तो कहीं कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इटालियन सोनेट लिखा हुआ है पेट्रार्कन सोनेट भी लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही चीज है। पेट्रार्कन सोनेट जो होता है उसको इसका अपना एक राइम स्कीम होता है, ठीक है। इसमें 2 स्टेंजा होते हैं, एक ऑक्टेव होता है और दूसरा सेस्टेट होता है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइंस का स्टेंजा। ऑक्टेव का मतलब बेसिकली ऑक्टेव का मतलब मैं पहले आपको समझाता हूं। 8 लाइंस का 8 ऑक्टेव का मतलब होता है 8, और यहां चूंकि हम लोग पोइम का बात कर रहे हैं इसलिए ऑक्टेव का मतलब हो गया 8 लाइंस का एक स्टेंजा, और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइंस। जैसे डबल का मतलब 2 होता है, ट्रिपल का मतलब 3 होता है, वैसे ऑक्टेव का मतलब 8 होता है, सेस्टेट का मतलब 6 लाइंस होते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइम स्कीम होता है वो ऑक्टेव होता है देन फॉलोड बाय सेस्टेट। जो राइम स्कीम होता है ए बी बी ए, ए बी बी ए, और सेस्टेट होता है सी डी ई सी डी ई, और या तो सेस्टेट सी डी ई होगा या फिर सी डी सी एंड सी डी सी होगा। दोस्तों पेट्रार्कन सोनेट का नाम पहले इटालियन सोनेट था, लेकिन आफ्टर फ्रांसेस्को पेट्रार्क के बाद इसका नाम 14 सेंचुरी में पेट्रार्कन सोनेट भी रखा गया, क्योंकि पेट्रार्क जो फ्रांसेस्को पेट्रार्क है वो काफी सारे सोनेट लिखे, इस कारण से इसका नाम पेट्रार्कन सोनेट भी रखा गया है, ठीक है। काफी सारे इंग्लिश के पोएट्स जो है वो ये बिलीव करते हैं। दोस्तों इटालियन सोनेट का नाम पेट्रार्कन सोनेट आफ्टर फ्रांसेस्को पेट्रार्का के बाद रखा गया 14 सेंचुरी में, क्योंकि इन्होंने काफी सारे सोनेट लिखा है, ठीक है। कई सारे इंग्लिश जो पोएट्स है वो पेट्रार्कन जो सोनेट है पेट्रार्क को वो विलियम वॉर्ड्सवर्थ और सर थॉमस विट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे ये जो है वो इटालियन सोनेट को और पेट्रार्कन सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, इस कारण बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो आप ये समझ लीजिए कि इन दोनों पोइट्स जो है उन्होंने इटालियन सोनेट को, जो पेट्रार्कन और इटालियन सोनेट होता है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं इंग्लिश सोनेट के बारे में। शेक्सपियरियन सोनेट या फिर एलिजाबेथन सोनेट, ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है। इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था थॉमस विट ने 16 सेंचुरी में, ठीक है। विलियम शेक्सपियर बहुत सारे सोनेट 157 सोनेट लिखे हैं इंग्लिश में, इसलिए शेक्सपियरियन सोनेट भी नाम इसका रखा गया, ठीक है। द सोनेट आर ऑलमोस्ट ऑल कंस्ट्रक्टेड ऑफ 3
क्वाट्रेंस फोर लाइन स्टेंजा फॉलोड बाई फाइनल कपलेट। जो इंग्लिश सोनेट होते हैं उसको फोर लाइन के तीन स्टेंजा में लिखा जाता है और एंड में दो लाइन का एक कपलेट होता है। कपलेट का मतलब दो लाइन होता है, ठीक है। इसका राइम स्कीम होता है ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ और जी जी, ठीक है। ये कपलेट जो जी जी है उसको कपलेट बोलते हैं और ये फोर लाइन्स का तीन स्टैंजा हुआ। और इस सोनेट को जो है आयम्बिक पेंटामीटर में कंपोज किया जाता है। दोस्तों स्पेंसेरियन सोनेट को एडमंड स्पेंसर के नाम पे जाना जाता है। जो स्पेंसेरियन सोनेट होता है कंप्राइजेस थ्री इंटरलॉक क्वाट्रेंस एंड फाइनल कपलेट। इसमें क्या होता है तीन जो है वो चार चार लाइन का स्टेंजा होता है, वो एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं। आप समझ लीजिए इंग्लिश सोनेट और स्पेंसेरियन सोनेट में डिफरेंस। ये भी चार चार लाइन का तीन स्टेंजा होता है और वो भी चार चार लाइन का तीन स्टेंजा होता है, बट ये इंटरलॉक्ड होता है। इसका राइम स्कीम अलग होता है और कपलेट जैसे उसमें एंड में होता है वैसे इसका भी एंड में कपलेट होता है। और इसका राइम स्कीम होता है ए बी ए बी, बी सी बी सी, सी डी सी डी और लास्ट में ई। दोस्तों मिल्टनिक सोनेट जो होता है वो जॉन मिल्टन के नाम पे रखा गया है। 17 सेंचुरी में इन्होंने लिखा था। मिल्टनिक सोनेट कन्वर्ट्स द ट्रेडिशनल पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म बाय द यूज ऑफ एंजैम्बमेंट। बेसिकली जॉन मिल्टन जो है वो क्या किए हैं, जो पेट्रार्कन सोनेट है उसी को लाइन को क्लोज करते हैं। एंजैम्बमेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन खत्म होने से पहले ही वो दूसरे लाइन पे चला जाता है, मतलब दो लाइनों के बीच का कुछ ब्रेक नहीं होता है, राइट। उसको एंजैम्बमेंट कहते हैं, ठीक है। इसका इट हैज राइम स्कीम बट मेड इट क्लोज। सेम राइम स्कीम होता है जैसे पेट्रार्कन सोनेट का होता है, बट इसको क्लोज होता है, एक दूसरी लाइन से ब्रेक नहीं होता है, इमीडिएट दूसरी लाइन पे चला जाता है। इट्स राइम स्कीम इज ए बी ए बी, ए बी बी ए, ए बी बी ए और सी डी ई सी डी ई। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे टर्जा रीमा सोनेट या डायस्पोरा सोनेट। इट अपियर्स इन इंग्लैंड इन द 19th सेंचुरी। ये 19th सेंचुरी में इंग्लैंड में आया था। इट मेक्स यूज ऑफ इंटरवीविंग पैटर्न एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द इटालियन टर्जा रीमा। दोस्तों इसका मतलब होता है ये एक दूसरे से कनेक्टेड पैटर्न होता है। ये हम आगे चल के राइम स्कीम में देखेंगे। इट हैज थ्री लाइन स्टैंजा यूजिंग चेन राइम इन द पैटर्न। ये थ्री लाइन का चार स्टेंजा होता है और लास्ट में एक कपलेट होता है दो लाइन का। इन द सेंस जैसे आप इंटरवीविंग पैटर्न की हम लोग बात करें, ए बी ए तो ये बी है वो अगला में होगा बी सी बी, अगेन सी जो है वो सी डी सी और डी जो है वो डी ई डी। इन द सेंस जो बीच वाला लाइन होता है वो अगले स्टेंजा का फर्स्ट लाइन होता है और एंड लाइन होता है, ठीक है। इस तरह से इसका पैटर्न होता है और एंड में दो लाइन का एक कपलेट होता है। ये जो टर्जा रीमा और डायस्पोरा सोनेट है ये ऐसा माना जाता है कि 14 लाइन से अबव भी हो सकता है, 14 लाइन से अबव भी हो सकता है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कर्टल सोनेट के बारे में। कर्टल सोनेट का जो इन्वेंशन है वो जीएम हॉपकिंस द्वारा 19th सेंचुरी में किया गया था। इट इज एन 11 लाइन और मोर एक्यूरेटली 10.5 लाइन सोनेट, बट रादर देन The first 11 lines of standard sonnet, it consists of precisely 3/4 of the structure of Petrarchan sonnet shrunk proportionally. In the sense, ये 10.5 line, यानी 10 और half line का एक sonnet होता है। अगर इसको आप देखेंगे कि Petrarchan sonnet की तो जो 14 lines होता है उसके proportion में 3/4 shrunk होता है, ठीक है। Kirtle sonnet का जो best example है वो Pied Beauty piece एशबर्ग, वो जीएम हॉपकिंस द्वारा लिखा गया है और कर्टल सोनेट का ये एग्जांपल है। थैंक यू दोस्तों। तो ये था इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ सोनेट। इसमें हम डिस्कशन किए सोनेट, इसके टाइप्स, इसके मेन फीचर और टाइप्स ऑफ सोनेट। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों आप यदि आप चाहते हैं कि सोनेट के हिस्ट्री के बारे में भी मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके मेंशन करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।